एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं एक और यम्मी सा सैंडविच आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, बटर है, हरी चटनी है और सॉस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने 4 होल व्हीट ब्रेड ली हैं। आप जो भी ब्रेड खाते हैं, मल्टीग्रेन खाते हैं, व्हाइट खाते हैं, आप ले सकते हैं। बटर रूम टेम्परेचर पर ले लिया है। आलू को मैंने बॉइल करके ग्रेट कर लिया है, उबले हुए आलू को किस लिया है। और ये नमक है स्वाद के अनुसार। इसमें मैंने थोड़ा चाट मसाला 1/4 टीस्पून के करीब, 1/4 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने देगी मिर्च ली है, जो थोड़ी चटपटी होती है और कलर भी देती है। आप देख सकते हैं, ये मैंने एक गाजर को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। आधा पीली शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़े प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। 2-3 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया है। यहां मैं आपको बताऊं, अगर आप पीली शिमला मिर्च नहीं है तो हरी यूज कर सकते हैं, इसको पीली को स्किप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सैंडविच इसी से टेस्टी बनेगा। और ये टोमेटो केचप लिया है। और ये है मेरी धनिया पुदीने वाली हरी चटनी, जो मैं घर में बनाती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है। ऑयल भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आप खाते हैं। इसमें डाल रहे हैं सबसे पहले हम प्याज, थोड़ा सौते करेंगे इसको, मतलब थोड़ा पिंकिश हो जाए, लिम करने लगे, बस उतना ही। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और अब मैं अपनी वीडियो डालने में रेगुलर रहूंगी, तो आप प्लीज जरूर जाइए, चेक कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए या आपको कौन सी अच्छी लगी। तो ये देखिए, शिमला मिर्च डाल रहे हैं हम, बेल पेपर येलो कलर का। तो नहीं है तो आप मत यूज कीजिए। इसको करेंगे मिक्स, ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो हमें बहुत ज्यादा ऐसे पकाना नहीं है सब्जियों को, क्रंची ही रखना है। किसी हुई गाजर डाल देंगे और इसको सॉटे करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू। तो ये जो किसा हुआ आलू है ये डाल देंगे। और देखिए, मैं यहाँ आपको बताऊं, बिगनर्स जरूर इस तरह से चेक कर सकते हैं, बट अगर आप सैंडविच बनाते हैं ना, तो आप क्वांटिटी पर मत जाइए, जो आपको अच्छा लगता है उतना उसमें ऐड कर दीजिए। अच्छी बाइंडिंग होनी चाहिए, आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसकी फिलिंग को तैयार कर सकते हैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं ये सारे सूखे मसाले। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, वो भी देखने में, खाने में, सब में अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ मिर्च ज़रा कम खाते हैं, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया इसको। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं और कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे फिर से एक बार और अच्छे से। और ये अच्छे से भुन गया है, इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आ गया है। हमने जो भी चीज़ की कमी थी उसको ऐड कर दिया है। अब नमक डाला है, ये देखिए, धनिया हम और थोड़ा डाल देंगे, धनिया जो है वो बहुत अच्छा लगता है इसमें। और सब्जियां जो हैं वो क्रंची ही अच्छी लगती हैं। तो ये पिट्ठी जो है इस तरह की बन गई है, हमने इसको बना के बाहर निकाल लिया है। अब हम लेते हैं ब्रेड का स्लाइस, इसके ऊपर लगाएंगे हम, ये रूम टेम्परेचर पे बटर है ताकि इजीली लग जाए। इसको लगाएंगे हम बटर को यहाँ पर ब्रेड पे, और बहुत ज़्यादा बड़ी लेयर नहीं लगानी है। केवल इसलिए हम लगा रहे हैं कि जब हम चटनी लगाते हैं ना, तो वो सौगी नहीं होता, आपका सैंडविच सौगी नहीं बनता। तो अब हम लगा रहे हैं ये धनिया पुदीना की अच्छी फ्लेवर वाली चटनी। चारों तरफ हर कोने में इसको इवनली स्प्रेड करना है ताकि हर बाइट में टेस्ट आए। ये देखिए, और बहुत पसंद आने वाला है ये आप सबको। अब हम इस पे लगाएंगे ये फिलिंग, इसको भी इवनली स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, बहुत यम्मी ये फिलिंग है। और नमक आप उतना ही रखिए, क्योंकि हम हरी चटनी भी लगा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज नमक ना हो, आप उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बटर में भी नमक है, अमूल का बटर हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, फिलिंग आपको जितनी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा ना भरें, एक लेयर लगा लें इस तरह से चारों तरफ से।
देखिए ये हो गया तैयार। दूसरी ब्रेड पर हम सॉस लगाएंगे। टोमेटो केचप जो भी कंपनी का आप यूज करते हैं वो आप लगाएं, और आपको इसके साथ फिर चटनी सर्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब टेस्ट अंदर ही है सैंडविच के। और इसको करेंगे हम पैक, ये देखिए ऐसे पैक कर देंगे इसको अच्छे से, और इसको भी बटर से ग्रीस करेंगे। तो हमने इधर बटर लगा लिया है। हमने ये जो बोरोसिल का मेरा टोस्टर है वो पहले ही मैंने गर्म कर लिया था, इसको अब मैं सेंटर में रख रही हूँ। इसमें एक बोरोसिल के इस टोस्टर में एक खास बात है कि आप बिना बटर के भी बना सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए, थोड़ा सा बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, तो हल्का सा बटर लगाएंगे और इसको इस तरीके से करके बंद कर देंगे। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं, ये देखिए आपको जितना क्रिस्पी करना है उतना कर सकते हैं। यानी अगर आपको ऐसे पलट के इस तरफ से ऐसे रखना है तो आप दोबारा से इसको फिर क्रिस्पी कर सकते हैं, इधर से हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही खा सकते हैं। और ये काफी क्रिस्पी है, मैं आपको आवाज सुनाऊं, क्रिस्पी हो गया है। तो दूसरा भी सैंडविच रख देते हैं। स्लैब को हमने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है ताकि ना प्लेट पे निशान ना पड़े, तो आप कोशिश कीजिए स्लैब पर ही रखें और ब्रेड नाइफ से काटें, ये बहुत अच्छे से कट जाते हैं। ये नाइफ बहुत शार्प और स्पेशल ब्रेड के लिए आता है सैंडविच कट करने के लिए, तो फाइन कट जाते हैं। और ये देखिए कितने यमी ये सैंडविच बने हैं, ग्रीन है, आलू की फिलिंग है और फिर उस ऊपर से चटनी है, ग्रीन चटनी है, सॉस है। तो ये देखिए हमने ट्रायंगल और छोटे पीस कट कर लिए हैं, ये देखिए। और यहां मैं दिखाऊं आपको कितना बढ़िया ये फीलिंग है, ऐसे बिल्कुल अंदर बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। जरूर ट्राई कीजिएगा ये सैंडविच, जरूर बनाइएगा, किसी भी शेप में कट करके सर्व कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।